नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा जिले में चलाए जा रहे तुहर पुलिस तुहर द्वार योजना के तहत शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम तुमान में स्वयं पहुंचकर जन चौपाल लगाया गया। जन चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भोजराम पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंशानुरूप हर व्यक्ति तक सुलभ न्याय उपलब्ध कराने, जिले में कानून का शासन स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक नया प्रयोग करते हुए तुहर पुलिस तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत पुलिस कर्मियों को गांव में भेजकर शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने एवं अंतिम व्यक्ति तक पुलिस की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गांव में जन चौपाल एवं चलित थाना के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा जन चौपाल में 5 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जन चौपाल में उपस्थित पुरुषों को शॉल, महिलाओं को साड़ी वितरित किया गया। साथ ही यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए हेलमेट वितरित किया गया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, पुलिस के साथ जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। में हमारे उनका पुलिस के द्वारा पुलिस तुहार तुहर द्वार के तहत आज मैं अपने CSP साहब और थाना प्रभारी हमारे पुलिस पूरा पुलिस की टीम गांव में आई और यहां पर आने के बाद हम सभी लोगों ने मतलब सभी गांव वालों से मिला, गांव वालों की बातचीत को सुनी, उनकी समस्याओं को सुना, उन्होंने अपनी मन की बात बोली, हम लोगों ने अपने मन की बात बोली और बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बातों में जोर दिया कि जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर के, या गाँव में कोई अजनबी व्यक्ति आता है जो गाँव के साथ धोखाधड़ी करता है, उन लोगों से बचने की सलाह दिया। साथ ही साथ गांव में जो बच्चे होते हैं, जो भी यातायात के लिए जो नियम होते हैं उसको हम लोगों ने पालन करने के लिए अपील किया, क्योंकि आजकल जैसे कि जो लगभग सभी के पास अपने बाइक्स होते हैं और जब भी वो शहरों की तरफ जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बताया कि यातायात के नियमों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने अपनी बातों में जोर दिया कि गाँव हमेशा शक्ति और शांति के केंद्र होते हैं, तो गाँव हमेशा एक रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों में झगड़ करके गाँव की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को साड़ी और कुछ लोगों को शॉल और कुछ मतलब उनको हम लोगों ने मतलब उनको बांटा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गांव में सभी लोगों के पास अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन गांव में एक अच्छी ये परंपरा होती है कि जब भी गांव में कोई व्यक्ति आता है तो उनको अगर किसी प्रकार को बाहर देने के पश्चात गांव के साथ एक अच्छे तरीके से जोड़ने की परंपरा बनती है और हमारी पुलिस हमेशा लोगों की सहायता करने में आगे रही है, चाहे यातायात के नियम में किसी प्रकार का देखें, चाहे बाकी चीज़ में देखें, तो हम लोगों ने चीज़ों को सुपर करने की कोशिश की। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। वन विभाग के अशोक वाटिका में लगी आग, चारों तरफ फैला धुआं ही धुआं, दूर दूर तक दिखी लपटे। कोरबा में वन विभाग की तरफ से बनाए गए अशोक वाटिका में आग लग गई। यहां आग लगने से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, साथ ही आग की लपटे इतनी जबरदस्त थी कि दूर दूर तक लोगों को दिखी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। CSEB चौकी क्षेत्र के इलाके में वन विभाग ने अशोक वाटिका बनाया था। इस वाटिका में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहां रोज सुबह और शाम घूमने आते हैं। शनिवार देर शाम खबर आई कि यहां आग लग गई है। आसपास के लोगों ने ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। इसके अलावा दमकल की गाड़ी को भी बुलाया गया था। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में लगी रही। आग लगने की वजह से वन विभाग को यहां काफी नुकसान हो गया है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बुंदेली गांव में एक स्थान पर छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए परिवार को मोटी चपत लगी। 1.5 घंटे के अंतराल में चोरों ने मकान से 2 लाख से ज्यादा के जेवरात, नकदी और बर्तन पार कर दिए। बुंदेली निवासी कमलाबाई ने बताया कि अगले वर्ष बेटी का विवाह करना है, इसलिए कुछ सामान सहेज कर रखे गए थे। चोरों ने ऐसे सामान पर हाथ साफ किया है। दिन दहाड़े हुई घटना में कमला के सोने चांदी के जेवर भी चोर ले गए। पति को घर पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई। पुलिस ने यहां का जायजा लिया, लेकिन नतीजे नहीं आ सके हैं। घर के काफी सामान चोरों के हत्थे लगने से परिवार परेशान है और चिंतित भी। ग्रामीण उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब चोरों के चेहरे सार्वजनिक होंगे। छठी मगे रहे हैं, इसे 1:57 महामन छठी मगे रहे दिन में
27 गाँव स्कूल तारापुर ओकर बाद हमन मोर पति ऐसे हमन खाना खात रहिन तहे गईस ऐसे तेकर बाद म कहा थे हमर अलमारी दीवान ह टूट गए है चला चला का कि हमन लई से के बजे ऐसा है यहां घर यहां वही 3 नी बज पा रही से दोपहर के हां दिन में टूट गई रही सब काका लगी सा तो काका लगी गई मोर पूरा गहना लेगी से मोर पूरा अपसेट रही पायल रही से पूरा मुंडी चुटकी रही कान के रही माला रही सोना चांदी दोनों रही से हां दोनों रही से कतक के हो लगभग वहां अब पुराना लेनी में हो जही 1,00,000 के हो नकदी पैसा 40,000 का करीब रही से नकदी लगे होला हां नकदी रही से अब बर्तन हुआ बर्तन हाँ वही 22 ठन रही से 22-23 ठन अब करीब गाने में था हाँ कांस के था लिए का शादी दी के रही से हाँ शादी के अगले साल लड़की कर रहे हैं ता कुछ फिर आए वो लगते का कि रखे रहे ना था ला कुछ रोक तो दो लड़की के शादी का रोक रोक गहना उठा रही से हाँ यही रखे रही से पूरा सिंगार रही से बेनी फूर रही साफ कर धन रही सब चीज रही से हाँ। शिकायत तुम्हें कहाँ कर रहा ये दिराज का मार में कर रहे हैं कई दिन हो गए शिकायत करे आप आज की तारीख हाँ उस दिन कर रहे पुलिस आ रही से हाँ उस दिन आ रही से तो कुछ पता चला थे कौन नहीं तो चला थे कुछ सिर्फ दो जने चोर दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं उसमें क्या कैसे किस तरह हरकत कर रहे हैं उन लोग उन लोग पहले आए हैं पहला जो आया है वो व्हाइट शर्ट पहने हुए ब्लैक पैंट पहने हुए गमछा लपेटे हुए और गमछा जो है लाल है दूसरा जो आया है लाल शर्ट पहने हुए हैं लाल गमछा पकड़े हैं और सफेद जींस पहने हुए हैं और चप्पल भी नहीं पहने दोनों जने बगैर चप्पल के आए 1:09 में आए हैं हम लोग सीसी कैमरा में भी दिखा रहे हैं अभी और कुछ दिनों पहले जो चोरी हुई आपके घर के सामने जी यहाँ कब हुई कितने की चोरी हुई लगभग दोपहर में चोरी हुआ है दिन दहाड़े चोरी किया है वहाँ पे उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में आया हुआ है उसमें क्या वही लड़के दिख रहे हैं दो ही लड़के अब उसमें थोड़ा दूर है तो उतना पहचान तो नहीं आ रहा है लेकिन ये नजदीक है आज जो चोरी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से चोरी हुआ है दिख रहा है स्कूल में भी चोरी हाँ स्कूल में भी आज चोरी हुआ है 2 दिन से छुट्टी था आज स्कूल में खोले हैं ताला देखे हैं तो फिर चोरी हुआ करके बता रहे थे सर लोग जहाँ शादी हो रहा है ना वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है और क्या बोलते हैं चोरी भी हो रहा है आसपास में घर वाले के पास मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद शादी हो सगाई हो बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम मेहर वाटिका बड़ा जगह छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा आकर्षक लाइटनिंग आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका एक बार सेवा का मौका अवश्य दें हमारा पता मेहर वाटिका दुर्पा रोड कोरबा छत्तीसगढ़ संपर्क करें 9827162247 9827162131 MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा अब SStar नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में साथ ही BSNL भारत फाइबर इलेक्सर गीगा फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनी पाली जेलगांव CSBHT पावर सिटी पुष्पल्लभ साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786922258 NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा
NXT डिजिटल नेटवर्क, अबालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। मिट्टी के ढेर पर कोयले की परत चढ़ा 15 लाख टन का घोटाला। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुसमुंडा खदान में अधिकारियों द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जानकारी दी है। मंत्री अग्रवाल ने करीब 15 लाख टन कोयले का घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पत्र में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कुसमुंडा कोयला खदान में कोल स्टॉक क्रमांक 25, 26 व 28 में भले ही ऊपर से कोयले का भंडार दिख रहा हो, पर अंदर में मिट्टी की परत बिछा दी गई है। यह फर्जीवाड़ा वित्तीय वर्ष के अंत में स्टॉक मेंटेन करने किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपए का कोयला आखिर गया कहां? कोयला मंत्रालय यदि जांच टीम भेजकर तीनों स्टॉक स्थल से कोयला हटाकर अंदर जांच करेगी तो मिट्टी के ऊपर कोयले की परत बिछाए जाने की पोल खुल जाएगी। कुसमुंडा परियोजना के 29 नंबर स्टॉक के एक बड़े हिस्से में पिछले कई माह से आग लगी हुई है। इसे बुझाने का प्रयास नहीं किया जाता। पूर्व में जलते कोयला रेलवे बैगन में लोड किए जाने की वजह से सरकबुंदिया स्टेशन के पास बैगन में आग लग गई थी। इसकी वजह से स्टेशन को काफी क्षति पहुंची और कोयला मंत्रालय की छवि धूमिल हुई। कोयला स्टॉक में हेराफेरी करने की नीयत से स्टॉक में लगे आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया जाता। इसके साथ सीधे तौर पर तत्कालीन व वर्तमान में पदस्थ शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार हैं। देखिए, कोयला का कुसमुंडा क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है और मेरी जानकारी पुष्ट है कि लगभग 50 लाख टन कोयला का स्टॉक इन्होंने ज्यादा बताया हुआ था। अब उस स्टॉक को बताने में ट्रांसपोर्टिंग का पैसा किसको दिया गया, डीजल की पूर्ति कहां से हुई, कर्मचारी अधिकारियों ने क्या काम किया, किस प्रकार से एक लंबा घोटाला हुआ, उसके बाद लगातार ये लोग उसको एडजस्ट करते रहे और अभी लगभग 15 लाख टन कोयला अभी भी कम है स्टॉक से, जिसमें इन लोगों को अगर अभी तत्काल उसमें जांच कराए कोयला मंत्रालय। मैंने प्रहलाद जोशी जी को पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जोशी जी इसमें एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना के तत्काल इसकी जांच कराएंगे और तत्काल जांच कराएंगे तो निश्चित तौर पे 15 लाख टन कोयला का अभी भी घोटाला है उसमें, और उसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो कोरबा के कुसुंदा ऑफिस से छोटे से लेके और CMD ऑफिस तक के जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं, उन पे कठोर कार्रवाई करना चाहिए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 10 दिन बाद भी रेल कॉरिडोर के भू विस्थापितों की समस्या नहीं हुई दूर। रेल कॉरिडोर के भू विस्थापितों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार जारी है। कलेक्टर व रेलवे को पत्र लिखकर समस्या के निदान की मांग की गई, पर अब तक कोई पहल नहीं हो सकी। गेवरा पेंडर रोड रेल कॉरिडोर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही प्रभावितों ने मुआवजा व अन्य मांग को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति कृष्णानगर इकाई की अगुवाई में आयोजित धरना प्रदर्शन को अब आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है। पिछले 10 दिन में लगातार आंदोलन जारी है। अभी तक प्रशासन व रेल प्रबंधन द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है, इससे असंतोष बढ़ते जा रहा है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में SECL की खदान में नियमों की उड़ रही धज्जी। छांट कर दिया जा रहा कोयला। एक बार फिर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदान में चल रहे कोयले के अफरा तफरी का भंडाफोड़ हुआ है।
नियम विरुद्ध स्ट्रीम कोयला लोड दो गाड़ी पुलिस ने दीपका चौक में पकड़ा है। कोयला बिलासपुर के एक ट्रेडिंग कंपनी के डीओ का है। रनिंग ऑफ माइंस कायदों का उल्लंघन करते हुए खदान के अंदर मजदूरों से छटवा कर कोयला लदवाया गया। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार दीपका खदान से दो वाहन में स्ट्रीम कोयला लेकर बिलासपुर के रवाना होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दीपका चौक में दो ट्रक रोका। वाहन में जांच के दौरान स्ट्रीम कोयला लोड मिला। ट्रक को चालक विवेक चौबे और ट्रेलर को चालक एक राम अंसारी बिलासपुर की ओर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बिलासपुर की एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम का डीओ खदान के अंदर से उठाया गया। नियम के अनुसार खदान में जैसा कोयला उत्पाद हो रहा है वैसा ही कोयला स्टॉक से पोकलेन के माध्यम से लोड किया जाता है। स्ट्रीम कोयला खदान से बाहर निकलने की इस घटना ने एक बार फिर यह पुष्ट कर दिया है कि कोयला लोडिंग में नियमों की अनदेखी की जा रही है। यह बात भी स्पष्ट है कि खदान के अंदर लोडर कांटा बाबू व इंचार्ज की मिलीभगत चल रही है। कर्मचारियों के सांठगांठ के बिना स्ट्रीम कोयला बाहर निकलना संभव नहीं है। बहरहाल पुलिस ने दोनों वाहनों में स्ट्रीम कोयला से लदी गाड़ी को धोखाधड़ी करने के संदेह में कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनीपाली जेलगांव, सीएसई बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्लव सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्र में चोरों की हरकतों ने हर किसी को परेशान कर रखा है। कोरबा ब्लॉक के बुंदेली प्राथमिक विद्यालय की कमजोर खिड़की के जरिए
भीतर घुसकर चोरों ने हजारों का सामान पार कर दिया। इसके अलावा संकुल केंद्र में भी चोरी की गई। अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया है। दो दिन के सरकारी अवकाश के दौरान विद्यालय बंद था। चोरों ने इसी का फायदा उठाते हुए यहां चोरी की। शनिवार को कार्य दिवस पर शिक्षक यहां पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। प्रधान पाठक समेलाल यादव ने बताया कि चोरों ने काफी सामान की चोरी की है। इसी गांव के किसान मदन कश्यप के खेत में लगे बोर का केबल और अन्य सामान भी पिछली रात को पार कर दिया गया। चोरों की हरकत यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उनके चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। मदन कश्यप ने बताया कि लगातार हो रही घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है। लोग चाहते हैं कि चोरी करने वाले के चेहरे बेनकाब किए जाने चाहिए। सर, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को शासकीय अवकाश रही थी, तो दो दिन साला बंद थी। और 16 अप्रैल को जब हम मॉर्निंग अभी प्रातः जो है 7:30 बजे स्कूल जब खोले अपन, तो कक्षा 6वीं में देखा कि वहां पर जो कुछ बर्तन थे, 35 नग थाली थी और भात खाना परोसने का जो बर्तन था है ना, 2 नग और 4 चम्मच, 2 पंखे और 2 ट्यूबलाइट, वो इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यालय की खिड़की जो कि थोड़ा कमजोर था उसको तोड़ के और उसमें एंट्रेंस प्रवेश किया इन्होंने और इसके बाद वहां से पार कर दिया। और इसके बाद जो है स्टाफ रूम जो है वहां के भी ताला को तोड़ने का प्रयास किया। संकुल केंद्र का ताला था वहां भी तोड़ने का प्रयास किया और काफी इन्होंने प्रयास किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। तो ये गुजारिश है कि यहां पर इस बुंदेली जैसे सबरांध गांव में चोरों की जो हरकतें हैं वो जो है बेलगाम हो रही हैं। अच्छा, हमें प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी और मीडिया से अपन चाहते हैं कि इस प्रकार से गरीब लोग कई वारदात हुआ है जिसमें कि गरीब लोग की संचित संपत्ति, शासकीय संपत्ति को इन लोग बेहिसाब नुकसान पहुंचाकर चोरी कर अपराध की जो ये है वारदात बढ़ रही है, इसमें लगाम करने कष्ट करें। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।